सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही लगे इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स हमें उसके लिए चाहिए क्या क्या, एक 14 और 15 नंबर का ये पाना और एक ये 10 नंबर की गोटी जिससे हम नट को खोलेंगे और एक ये बैंड जो आपको मार्केट में से मिल जाएगा जो सिलेंसर के अंदर लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने करना है क्या कि जो सिलेंसर के बैक साइड का नट होता है हमें उसे खोल लेना है। उससे खोलने के लिए आप पाने का यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपका नट है 10 नंबर का 12 नंबर का आप उसे खोल लेना है। चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। तो इस नट खोलने के बाद आपने आगे वाले जो सेंसर के दो नट हैं उन्हें खोल लेना है। तो चलिए हम इसे भी खोल लेते हैं। पीछे वाले दो नट को खोलने के बाद आपने आगे वाले दो नट को खोलना है जो सिलेंसर के हेड में फिट होते हैं। चलिए हम इसे भी खोल लेते हैं। और उसके बाद दूसरा भी खोलना है। सभी नटों को खोलने के बाद हमने करना है कि ब्रेक को थोड़ा आप नीचे पुश करना है और सेंसर को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। हमने इसका बैंड बदलना है। जो फ्रेंड्स आप इसे छल्ला या बैंड जो भी कह लीजिए, अब हमने इसको बाहर निकालना है। देखिए ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है और इसमें बिल्कुल फिटने भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो साउंड है वो बाइक के अंदर से आ रही थी। तो चलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। बैंड ये हमारा पुराने वाला बैंड जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इसी वजह से जो आपके बाइक के सिलेंसर में साउंड आ रही थी वो इसी की वजह से आ रही थी। तो ये है हमारा नया बैंड, चलिए हम इसे फिट कर लेते हैं। फ्रेंड जैसा कि हमने पहले सिलेंसर को जैसे निकाला था वैसे ही हमने अब इसको फिट कर देना है। वह करना है क्या है कि ब्रेक को थोड़ा नीचे पुश करना है और सिलेंसर को अंदर जैसे हमने खोला था ऐसे ही लगा देना। पहले ध्यान रखना कि आपने पहले आगे वाला सिरा लगाना है और बिल्कुल फिट आने के बाद आपने पीछे वाला नट फिट कर देना है। और हमें और अच्छे से इसको फिट कर लेना है। और उसके बाद जो हमने जो क्लिप हटाया था उस नट को लेते हैं, आपने वैसे ही इस क्लिप को लगा देना है और नट को फिट कर देना है और पीछे वाला भी नट लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे वाले नट को भी लगा लिया है और आगे वाले दोनों नटों को भी अच्छे से लगा लिया और इनको अच्छे से टाइट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं कि पहले से कैसा है। Thank you.